biggest Transformer film, you know, so I mean we're really excited. बाकी जो हॉलीवुड में कौन सा फेवरेट एक्टर है आपका? बहुत हैं. मार्क वॉलबर्ग इज एक्चुअली वन ऑफ आवर फेवरेट्स. वी फॉलो हिज वर्क एंड वी थिंक रियली ही इज वन ऑफ द पीपल हु डज गुड वर्क. एक्चुअली आई ऑल्सो लाइक मार्क वॉलबर्ग. इज नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट इवन ही प्रोड्यूसेस गुड स्टफ. इज एन एंटूराज द फिल्म फाइटर एंड लोन सर्वाइवर. ही इज नाउ डूइंग रियली गुड वर्क. सो आई एम एक्साइटेड दैट ट्रांसफॉर्मर्स दैट्स ऑलरेडी सच अ बिग नेम एंड नाउ यू हैव मार्क वॉलबर्ग पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स. इट विल बी इंटरेस्टिंग एंड एनीवेज इट्स गोइंग टू बी great VFX, great effects, great action. So we're boys and we're ready for it. हम आपसे जानना चाहेंगे हॉलीवुड में काम करने का मौका मिला तो आप करेंगे? जरूर करेंगे. कौन से एक्टर में आप काम करना चाहेंगे? सब एक्टर्स के साथ. वहाँ पर काम अच्छा हो तो बाकियों का फर्क नहीं पड़ता. अपना काम अच्छा हो तो वो करना. बस आपका फ्यूचर प्रोजेक्ट जाना चाहेंगे? अभी एक फिल्म की है मैंने 3 AM और उसके बाद रोडीज 12 होगा और मेरा एक खुद का प्रोडक्शन है रणवीर जरन. वो भी MTV पे पहला सीजन हो चुका है. दूसरा सीजन तो कर रहे हैं अभी सब. रोडीज की बात करें तो आपको नहीं, मुझे लगता नहीं है कि इस बार मैं या रघु रोडीज में नजर आएंगे. लेकिन ये हम पहले भी बोल चुके हैं तो अभी कुछ कह नहीं सकते. जब होगा तब. इस बार आप क्यों नजर आएंगे रोडीज में? हम एक्चुअली एक दौर था, हम काफ़ी इन्जॉय किया हम लोगों ने और आगे भी बहुत काम होता है. रोडीज हमारा बहुत वक्त ले लेता है. साल के मतलब 7-8 महीने चले जाते हैं. ऐसा बहुत से काम है जो और करने हैं. ये मूवी को देख के मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं ट्रांसफॉर्मर्स का काफ़ी फ़ैन रह चुका हूँ. मतलब बचपन से, मतलब 1983 में जब पहली फिल्म्स आए थे, आई रियली एन्जॉयड इट. आई ऑलवेज वॉच्ड ट्रांसफॉर्मर्स एंड आई यूज्ड टू प्ले. घर में हमारे खिलौने होते थे. आई थिंक ये जो बचपन में जो आप देखते हो तो आपको मतलब वो बच्चा ही बना के रख देता है. क्योंकि अभी मैं जैसे मेरी एक्साइटमेंट है वो बच्चे की तरह से कि कैसे होगा नया फिल्म. हॉलीवुड को छोड़ो, यहाँ पे बोलो. यहाँ पे तो मतलब ऑफिसली माधुरी दीक्षित सबकी फेवरेट है, वो मेरी भी फेवरेट है. और आजकल मुझे लड़कों में वरुण धवन बहुत अच्छा लग रहा है. उसकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी रह चुकी हैं. और ऑफ कोर्स मिस्टर मल्होत्रा दिल्ली वाले बहुत अच्छे हैं. माधुरी को खुश करने के लिए, माधुरी जी को खुश करना बहुत मुश्किल है. पर मुझे लगता है कि आगे जाके मैं परफॉर्मेंसेज अगर उनके लिए कर पाऊँ तो मैं चाहता हूँ कि वो उनको ये बुलाएं. परफेक्ट. मेरे कुछ दोस्त हैं LA में जो जिन्होंने इसके ट्रेलर का म्यूज़िक किया है. सो इट्स इवन मोर इंटरेस्टिंग. आई लव टू सी व्हाट एग्जैक्टली द साउंड्स वी आर गोना हियर एंड आई लव द फिल्म, आई लव द एक्शन. टॉम हैंक्स मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं. I've forgotten the name of the Decepticons and what's the main character's name? आपको जब आपने देखा नहीं है? अरे आप इंटरव्यू कैसे ले रहे हो? आप तो देखो. Decepticons are nice. I really like the guy who cannot talk and just talks in music. But the guy who cannot talk and just sings and talks while he's singing, the car that sings and talks, I love him the most. Kid inside me comes out whenever I come for such movies, and I hope I have a lot of expectations from this movie. So I hope I come out smiling and with a lot of excitement when I come out. Which is your favorite character in the movie? I think the red one. I forgot the name. What's the name of that one? The red guy. I like.